हे गाइस, यदि आपका माउस कर्सर ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है बिना कुछ किए, तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। तो अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को अपनी विंडो की को प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में आ जाओगे गाइस। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना माउस। यहाँ पे माउस सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि माउस की सेटिंग पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को आना चेंज माउस सेटिंग पे आपको आना है। तो सिंपल टैब बटन को आपको प्रेस करना होगा। यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम चेंज माउस सेटिंग पे आ चुके हैं। उसके बाद आपको जस्ट एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम माउस प्रॉपर्टीज पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आना पॉइंटर ऑप्शन पे आपको आना है। तो उसके लिए आपको सिंपल टैब बटन को प्रेस करना। सबसे पहले हमें बटन पे चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं बटन पे आ चुका हूँ। उसके बाद आपको राइट एरो की को प्रेस करके यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन पे आप आ चुके हो। उसके बाद गए आपको टैब बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आ जाना है स्लो फास्ट, मतलब कि माउस की स्पीड कैसी होगी, जो पॉइंटर की स्पीड कैसी होगी। तो आपको यहाँ पे राइट और लेफ्ट एरो की से इसको मतलब कि बीच में लेके आ जाना गाइस। इसको ज़्यादा आपको स्पीड नहीं रखना है, आपको मिड में इसे रखना है। उसके बाद आपको नीचे एनहेंस पॉइंटर प्रेसीजन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको आना है। तो उसके लिए आपको टैब बटन को प्रेस करना है और इसको अनटिक कर देना गाइस। अनटिक करने के लिए आपको स्पेस बार बटन को प्रेस करना होगा। तो मैंने इसको अनटिक कर दिया गाइस। अब आपको नीचे आना टैब बटन से। अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन अ डायलॉग बॉक्स गाइस। इसको आपको अनटिक रहने देना, इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद गाइस आपको नीचे आना, यहाँ पे डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेस दिया, इसको आपको कुछ नहीं करना, जैसा वैसे रहने देना। आपको नीचे आना, आपको यहाँ पे देख सकते हैं हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। टाइपिंग करते वक्त आपको क्या हाइड कर देना पॉइंटर को, तो इसको आप अनटिक कर दीजिए गाइस स्पेस बार बटन से। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना। तो अप्लाई के लिए आपको सिंपल टैब बटन को प्रेस करके आप अप्लाई पे आ जाइए। उसके बाद जस्ट एंटर हिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले पे चले जाइए। उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। सो गाइस, ऐसे करके आप लोगों का माउस कर्सर ऑटोमेटिकली मूव नहीं होगा। गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे अभी लाइक कर देना। चैनल पे यार नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।